सरकार दूरी नीति बना के कदे ना कदे यही कहांगा कि सिखां दे जख्मां नूं लूण पा के अले करदी आ, मलम ला के उन्हां नूं जिहड़ा समेटण दा काम नहीं कर रही। भाई ये रिपोर्ट है जिहड़ी तकरीबन डेढ़ महीना पहले ही आ चुकी है, तो दोषी पाउण दे बावजूद भी वह तो परोलां ते बाहर फिरदा। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜੇ ਮੰਨਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਦੀ ਹੋਵੇ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 112-13 ਬੰਦੇ ਜਾਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। डेरे सरसे की फिल्म चलनी होवे ते उहदे पोस्टरां दे थले बैनरां दे थले अनेका पुलिस दे जिहड़े बंदे खड़े किए जा रहे आ, ते दूजे पासे जे आपां गल करिए कि बेअदबी आ सरूप चोरी हो गया ते सरूपां नूं लभण दे लई किहड़ियां टीमां लाईआं, कित्थे तुसीं उहदे च पूरा जिला सील कर लिया। जे कंवर विजय प्रताप होणी सैशन दे विच बोलदे आ बेअदबी दे उत्ते गल करन दे लई टाइम जिहड़ा रख्या जावे, जो उत्थे बोलदे आ तां उन्हां दा उत्थे टाइम नहीं रख्या जा रहा, तो यह मतलब सरकार भी उन्हां राहां ते तुर रही है जिहड़ी कहिंदी सी असीं इंसाफ देवांगे। पहली बारी होया कोटकपुरे की जांच हाई कोर्ट दे विच पई होवे बहस होण तों बिना, उन्हूं खारज कर दिता होवे, उन्हूं पढ़े तों बिना खारज कर दिता होवे, ते दूसरे पासे कंवर विजय प्रताप होणी अपना अज भी सरकार दे विच हो के विरोधी धिर दा रोल निभा रहे होण, सरकार नूं फिर लूण रहे होण, तो इस वार आ जिहड़ा आर पार वाली गल ही होगी, सरकार आ जिहड़ी इंसाफ देगी जां कहूगी भी साडे हत्थ खड़े असीं इंसाफ नहीं दे सकदे। सत श्री अकाल जी, लोकवाई टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं मनिंदरजीत सिद्धू। दोस्तों कल पंजाब सरकार वालों अपनी SIT की रिपोर्ट कुछ सिख आगुआं नूं सौंपी गई है, जिहदे विच कहा गया कि इस दे विच डेरा मुखी मुख शासनकर्ता ने ते जिहड़ा वड्डा सवाल एक उठदा सी बादल सरकार दे उत्ते बादल परिवार दे उत्ते कि जिहड़ी इह घटना जो बेअदबी होई आ उहदे विच बादल परिवार दा वड्डा रोल रहा, पर कल दी जो रिपोर्ट आई उस तों बाद इह गल स्पष्ट होई है, लगातार श्रोमणी अकाली दल भी अपने पेजां ते पा रहा है कि बादल परिवार दे उहदे विच कोई नाम नहीं, बादलां नूं शासनकर्ता नहीं मन्निया गया, ना ही उन्होंने करवाई है, पर कि इस तों जिहड़े है सिख जथेबंदियां जां ओह परिवार संतुष्ट है जिन्हां ने बेअदबी कांड तो बाद बहबल कलां गोली कांड दा जिहड़ा संताप हंडाया सी। साडे नाल सुखराज सिंह नियामी वाला ने गलबात करदे आ उन्हां दे नाल शहीद परिवार चों ने। बई जी किवें लगी जिहड़ी कल दी रिपोर्ट जिहड़ी सामने आई है, संतुष्ट हो रिपोर्ट तों? बई इह रिपोर्ट आ जिहड़ी तकरीबन डेढ़ महीना पहलां ही आ चुकी आ जी, डेढ़ महीना पहला ये चलान आ जिहड़े कोर्ट के सबमिट हो चुके, तो जिहड़ी कल वो किताब बना के दी गई है वह सबमिट किए हुए चलाना दियाँ फोटोकॉपिया एक किताब का रूप दिता गया जी। सो वो कल कुछ जथेबंदियां जिहड़ियां उत्थे जांदियां जिहड़े नुमाइंदा जथेबंदियां कहिंदे आ, ते उन्हां नूं वो एक किताब रूप जिहड़ी वह भेट की जाती है जां उन्हां नूं पढ़न वास्ते दे दित्ती जाती है कि यह रिपोर्ट आ जिहड़ी जां बेअदबी दे विच जिहड़ा जिन्ना कुछ होया वह ये आ, पर उहदे विच मास्टरमाइंड जिहड़ा राम रहीम है वो 2015 तो लैके अज तक पंजाब दा बच्चा बच्चा सिख संगत कह रही है कि इन्होंने बेअदबी कराई है, वह आदे सरसे वाले दे 3 मैंबर जिहड़े भगौड़ा करारा कमेटी दे भी भगौड़ा करारी लिखे हुए आदि विच कुछ ना कुछ कमियां रहिंदियां कि महिंद्रपाल तो बाद जिहड़ी जांच उहदे भरा ते होनी चाहिए वह नहीं हुई है, तो बाकी होर जिहड़े कई तत्थ आ जिहदे विच कह सकदे आ कि 7 सालां बाद भी डेरे सरसे नूं कल्ला दोषी बना के उभारिया गया है, पर उस सज़ा जा उते कोर्ट केस आ वो नहीं हो रहा कोई भी, अजे वो नहीं हो रहा, कोई अपडेट नहीं हो रही मतलब जिहड़ी उच सज़ा मिल सके। बादल परिवार के उपर दोष लगते रहे बेअदबी नूं लैके, क्योंकि सरकार सी मौके दी कि इन्हां ने कुछ लोगों को यह भी कहा कि पैड़ा उधर नहीं, मैं यह गल कहना बादल परिवार के उत्ते जिहड़े दोष बेअदबी दे तां मेरे वल्लों कह लो भी बेअदबी नहीं हो सकता, पर बेअदबी उहदे राज दे विच होई है तो बेअदबी करन वाले नूं शह दित्ती गई हो सकदी आ। 2007 दे विच सरकार किन्हां दी सी इह सारिआं नूं पता है, 2007 दे विच सवांग रचाया जांदा तां डेरे सरसा साहिब नूं जिहड़ी माफ़ी आ उह किहदे राज दे विच आउंदी आ, किहड़े प्रधानां वल्लों आउंदी आ, इह चीज़ां जिहड़ी बादलां दी भूमिका नूं दर्शाउंदियां, तां जिहड़ी बेअदबी आ उह डेरा सरसा ने कीती आ, गोली कांड आ जिहड़ा उस समें दी सरकार आ जिहड़ी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ
चंगे ठोस कदम नहीं चके जा रहे। एक डेरे सरसे की फिल्म चलनी हो पोस्टर के थले बैनर के थले अनेक पुलिस के जोड़े बंदे खड़े किए जा रहे हैं। तो दूजे पास जे आप गल करिए कि बेअदबी आ सरूप चोरी हो गया तो सरूपों को लभन के लिए कि टीम लाइया कितने तुम पूरा जिला सील कर लिया जां घर घर की तलाशी ले ली आ सरकार की भूमिका रही है कितना कितने नाकामी रही आ तो जी अज जे जिदा खमैजा आप भुगतना पै रहा लगातार पिछले 7 सालों तो बेअदबियां हो रही किसी भी सरकार ने कोई भी न्याय जो बेअदबी तो नहीं दिता। एक विधानसभा का सैशन चलिया लाइव भी दिखाया गया बेअदबी का मुद्दा बैवल कलां गोलीकांड का मुद्दा वो भी कितने नहीं दिखाई दिता सिर्फ एक यही गल है जी। जे कल मुख्यमंत्री कुछ क बंदे जोड़े जाते उन्होंने एक रिपोर्ट दे सकता भी मतलब भावें वह डेढ़ महीना पहला दी आई आ तो ये तो कंवर विजय प्रताप होनी भी जाणू उन्होंने भी पता जी। पर दूसरा पक्ष यह आ कि जे कंवर विजय प्रताप होनी सैशन के बोलते आ कि जिहड़ी रिपोर्ट आ जां बेअदबी दे उत्ते गल करनी आ तां बेअदबी दे उत्ते गल करन दे लई टाइम जिहड़ा रख्या जावे जे उत्थे बोलदे आ तां उन्हां दा उत्थे टाइम नहीं रख्या जा रहा वह टाइम ही रख लैंदे चंगे रहिंदे वह टाइम उन्होंने रख्या नहीं आ बेअदबी दे उत्ते गल नहीं कीती आ। ते दूजे पासे कुछ क जथेबंदियां नूं अपने एमएलए नालों वड्डा साबित किया जा रहा रिपोर्ट दे के तो यदा मतलब सरकार भी उन्होंने राह से तुर रही है जी कहती से असं इंसाफ देवे वो इंसाफ देने की बजाय अज खजल खुआर करने वाले पास तुर रही है। चार कैमरे नूं छड्ड के प्रताप बाजवा हो गया सुखपाल खहरा हो गया कंवर विजय प्रताप हो गया एक शायद निर्मल सिद्धू मेरे शायद नाम ना गलत हो चार बंद छड के बाकी 112-113 बंद जाऊदियाँ लाशा बन के रह गए विधानसभा के बेअदबी के उत्ते गल करना ठीक नहीं समझा इन्होंने। तो दूसरे दिन वो रिपोर्ट है जी हालांकि डेढ़ महीना पहला आई है तो डेढ़ महीने उन्हों सरकार जनत कर सकती सी बकायदा एक सैशन जां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती सी अपने मंत्रियों के नाल बैठ के कि आ साडे अधिकारी ने जिहड़ी रिपोर्ट आ सबमिट करती आ इहदे विच फलाने फलाने बंदे दोषी पाए गए आ तां दोषी पाउण दे बावजूद भी वह तो परोलों से बाहर फिरदा। सो ये इंसाफ देण दीआं गल्लां नहीं ये एक सिखां नूं पाड़न की नीति है जिहड़ी सरकार वल्लों अपनाई गई है कि कुछ क उधर उधरले पक्ष भुगत जाण के बेअदबी दे दोषी आ जिहड़े फलाने फलाने आ उह च तीन भगौड़ा करार दित्ते होए आ वह अज तक नहीं फड़े गए आ। दूसरे पासे गुरदेव प्रेमी आ जिहड़ा बुरज जवाहर सिंह वाले दा जिहदा एक नौजवानां वल्लों कतल कर दिता जांदा इस संदर्भ दे विच कि उहने बेअदबी करवाई आ उहनूं पता सीगा कौन सरूप लैके गया उहने उहदा पूरा जिहड़ा उत्थों रूट जां प्लैन उहनूं पता सीगा तो जिदे संदर्भ के नौजवान उन्होंने गोलियां मार के उत्थों दा कतल कर देंगे तो नतीजा की निकलता जिहड़े नौजवान वाकई अणपछाते होंदे कतल करन वाले उन्हों दो ढाई सालों के पुलिस लभ लैंदी आ पुलिस लभ के उत्ते कारवाइयां करती है उन्होंने फरीदकोट की अदालत के वलों अज उम्र कैद तक की सज़ा भुगत रहे तीन नौजवान ठीक है। तो दूसरे पासे 7 साल बेअदबी हो गया सामने सारा कुछ आ गोलीकंड भी होया वो भी दोषी सामने आ बेअदबी कराने वाले भी प्रेमी सामने आ उन्होंने तो अज तक सजावं नहीं हो रही। सो सरकार दूरी नीति अपना के कदे ना कदे यही कहांगा कि सिखां दे जख्मां नूं लूण पा के अले कर दी आ मलम ला के उन्होंने जिहड़ा समेटन का काम नहीं कर रही है। संधवां साहब स्पीकर ने यह बड़ी आवाज़ उठाते रहे ने नेड़े का हलका है नाल लगता तो जो एक कांड इन्हों के हल्के वापरे थे जो गो बत्ती वाले चौंक चया कोटकपुरा हो पर उत्थे जो एक मुद्दा उठाया जाता उन्होंने स्पीकर वालों भी यह तवज्जो ना दी है समा ना उस तरीके ना दिता जाना कि भाई हाँ इस मुद्दे पर भी गल जरूरी है इस गल निराशाजनक आ क्योंकि संधवां साहब इको एक आम आदमी पार्टी के लीडर होए आ जिहड़े जदों भी 7 साल दौरान 15 तो लैके अज तक का जिहड़ा समा बेअदबी दे उत्ते डिबेट हुंदी होवे चैनल दे उत्ते तां संधवां साहब इको एक चेहरा सी जिहड़े आम आदमी नूं रीप्रजेंट करदे हुंदे सी सिख होण नाते भी ते दूसरे पासे आम आदमी पार्टी दे आगू होण नाते भी जदों उह रीप्रजेंट करदे सी बेअदबियां दे मुद्दे ते सरकारां दूजियां नूं घेरदे सी अज खुद सरकार दे विच आ तां मैं समझदा संधवां साहब नूं पहल दे आधार ते उह समां देना बनदा सी देना चाहीदा सीगा कि वाकई उन्होंने सही सवाल दे लई समां मंगिया। हालांकि तुसीं उन्हां दी एक स्पीच भी सुनी होनी है कंवर विजय प्रताप की जिस चों कहिंदे आ भी 4-5 दिन पहलां दा सवाल दित्ता होया हालांकि एड्डी नमोशी की गल ये होगी भी 4 दिन सवाल बेअदबी का उन्होंने टेबल पर ही पिया हो जी तो गल करन नूं समां ना होवे तो एंड जिदे लास्ट डे आ तो उदे उन्होंने कहना पवे कंवर विजय प्रताप नूं भी एक सवाल मेरा होर पिया बेअदबी वाला भी उत्ते भी समां दिओ। सो किड्डी हासोहीणी गल आ भी सरकार इंसाफ देण वाले पासे चले ना कि लोगों के जख्मों नूं वार वार उधेड़न की गल करे। ये बेअदबी के मुद्दे पर ही सरकार बदलियां जे मननी वड्डी गल मननी होवे हां जी ये भी बदली जानी है
ये भी कोई वड्डी गल नहीं आ। तुसीं दूजियां सरकारां तां चार चार पांच पांच साल कढ गईआं, साढ़े चार साल कढ गईआं, इन्होंने 24 घंटिआं दा कह के लारा लाया ते 3 महीनिआं दे विच संगरूर दे विच सरकार इलैक्शन लड़ी आ। जिमनी चोण कदे नहीं होया वी सरकार हरदी होवे। सरकार दे 91-92 MLA उत्थे फिरदे आ, 3 मंत्री जिहड़े उस एरिए नूं बिलोंग करदे आ। मुख्यमंत्री दा हलका होवे ते सब तों 3 हाईएसट पोस्टां सिक्ख्या मंत्री, पंजाब दे विच एजुकेशन मंत्री जिहड़ा हुंदा, डिफेंस मिनिस्टर, खजाना मंत्री पूरे पंजाब दा हुंदा है, तां मुख्यमंत्री तां समझ लो हैगा ही हैगा। 3 वड्डियां पोस्टां वाला वो इलाका होवे संगरूर ते उत्थों बिलोंग करदे होण, उत्थों दे वो MLA होण ते उत्थों ही सरकार जिमनी चोण हरदी होवे, तां इत्थों ये समझ आउंदा कि पंजाब दे लोक जागरूक हो चुके आ। असल राजनीति है जिहड़ी पंजाब दे लोकां दे अंदर आ चुकी आ। मुद्दिआं दी राजनीति उत्ते पंजाब दे लोक वोट पाउणगे, वो चाहे कोई भी होवे, कोई भी कैंडीडेट किसी भी पार्टी नूं बिलोंग करदा होवे, जिहड़ा सच्ची राजनीति ते सही गल करूगा उहनूं लोक अग्गे लैके आउणगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਰਤਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਫਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਐਡੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਲਾਹਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਅਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗੀ ਜਾਂ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ 3 ਸਿੱਟਾਂ ਕਿ 4 ਸਿੱਟਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਅੱਡਾ, ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਤੇ ਅੱਡਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਤੇ ਅੱਡਾ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹਿਬਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 9 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਰੱਟ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਾ ਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰ ਕਰਤੀਆਂ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੂਜ਼ ਪੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ? ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ।
पर वह ये भी नहीं कह सकते कि वह बंद कर दी गई है जांच जांच चल रही है जांच कंटिन्यू आ अगे भी होर भी इस तो अगे भी रिपोर्ट बननी आ असी सरकार नूं यही बेनती करते हैं जिहड़ी अगली रिपोर्ट आ जिहड़े होर भी दोषी आ कल्ला सरसे वाला नहीं उहदी टीम आ उहदे 9 मैंबरी कमेटी आ जिहदे च एक सरसे वाले दे धड़े नहीं सवाल चक्के सीगे कि भी ये दोषी आ ये बंदियां ने बेअदबी कराई आ सो उन्हां ते भी कार्रवाई होनी चाहीदी आ जिहड़े 3 भगौड़ा करार दित्ते होए आ उहनां नूं भी किते ना किते गिरफ्त करना चाहीदा है उहनां नूं लभ के उहनां ते सख्त कार्रवाइयां होणियां चाहीदियां दूसरे पासे जे सरकार अणपछातियां नूं लभ सकदी आ एक नौजवान का पिछे जे कतल हुंदा गायक का बहुत मंदभागा उहदे परिवार नूं इनसाफ मिलना चाहिए माँ नूं इनसाफ मिलना चाहिए पर उत्थे गल इह हुंदी आ वी उहदे च जिहड़े कतल करन वाले सी कोई जेलां च बैठा कोई किते बैठा सी फोनां ते गल्लां होईआं उही कड़ियां जुड़ीआं कोई सीसीटीवी तां सामने नहीं ना आई गोलियां चलाउंदिआं दी कोई किसे गोली चलाउण वाले दा कोई स्केच तां नहीं ना बणिआ सी पर उह फिर वी लभ लिआ उह गुजरात चों वी लभ लिआ उह किते होर स्टेट चों वी लभिआ गिआ इत्थे तां गोलियां चलाउण वाले भी सामने आ वर्दीधारी आ आइडेंटीफाइड आ थोड़े पुलिस वाले गवाह बने हुए आ जिहड़े कहिंदे आ वी इन्हां ने गोलियां चलाईआं ते यार फिर भी सतनाम सिंह जीरे इलाके का एक इंस्पैक्टर आ पुलिस दे विच सीगा उदों कोटकपुरे सीगा उहने अज्ज आपदी प्री रिटायरमेंट लई आ पहलां ते उह अज्ज भी बोलिया इत्थे मेरे कोले भी आ के गए आ ते उहनां ने भी काफ़ी तत्त सामने कीते आ वी उमरा नगल अर्गां दी चरणजीत शर्मे अर्गे दी की भूमिका रही आ तां इहनां ते सरकार बणदीआं कारवाइयां करन दी बजाए इहनां नूं खुल्ला कुछ छड्ड रही आ इन्हां दी पहली वारी होया कोटकपुरे की जांच हाई कोर्ट के पई होवे बहस होने तो बिना उन्हूं खारज कर दिता होवे उन्हूं पढ़े तो बिना खारज कर दिता होवे ते दूसरे पासे कंवर विजय प्रताप होनी अपना अज भी सरकार दे विच हो के विरोधी धिर दा रोल निभा रहे हो सरकार नूं फिर लूण रहे हो मेरे कोले चिट्ठी पई आ जिस दिन सहुं चुकी जाती है सहुं चुक समागम हुंदा अपना विधानसभा दे विच उस दिन कंवर विजय प्रताप चीफ मिनिस्टर नूं चिट्ठी दे रहे आ कि बहबल कलां ते गल करो सो बंदा आपदी सरकार दे विच हो के होर की कर सकता अपनी आवाज़ चक रहा लोगों के एक आपां वैसे तो मैं इस चीज़ यकीन नहीं करता कि गुरु आ साडा सारे धर्मां दा सांझा गुरु आ ते जरूरी नहीं है कि गात्रा पाया तो उही मतलब कहिंदा भी गुरु ग्रंथ साहिब ते मेरा हक आ अदर धर्म नूं बिलोंग करन वाले भी साडे गुरु दा सत्कार करदे आ साडा बड़प्पण आ क्योंकि साडे गुरु नूं जीवत गुरु दा दर्जा मिलिआ ते सर्ब सांझी वालता दा उपदेश दिंदे आ तां उह एक नॉन सिख हो के भी उस सैशन दे विच आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो दूसरे उत्थे चुप बैठ रहे जिहड़े सिख है ये शर्मनाक गल है मैं समझदा कि पंजाब दे लोकां नूं कट्ठे होना पऊगा जिन्ना टाइम असी आपदे पंजाब दे असल दुखां ते कट्ठे नहीं हुंदे वो चाहे बेअदबी होवे चाहे 84 दी नसल कुशी होवे चाहे पंजाब दे विच हो रहे धक्के दी गल होवे सानूं कट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करनी पऊगी तां जाके सरकारां जिहड़ियां सानूं साडे असल मुद्दिआं दे इनसाफ दिया करनगियां जे जे असी इक सुर हां तां हुण भी सरकार ने अपना पत्ता खेडिया पंजाब दे लोकां नूं पाड़न दी गल कीती आ कि जिहड़ी रिपोर्ट आ कुछ कोना जथेबंदियों दिती है जिहड़ियां कह लो बई घर चो उठ के रिपोर्ट लैनी गई है वह भी उन्होंने आपदे प्लांट किए हुए बंदे सी जिहड़े रेशम सिंह खखराणा मोगा दे अमन कौर जिहड़े अमन अरोड़ा MLA आ उन्होंने नज़दीकी आ उन्हों का मुंडा जॉइंट सैकटरी है रेशम सिंह का आम आदमी पार्टी के वलंटीयर भी चंगे आ तो वो उस तरीके दे नाल उन्होंने एक सिख जथेबंदियों बिल्कुल रिपोर्ट दे के तो यह पबलिश किया गया कि असी रिपोर्ट दिती आ रिपोर्ट तो 1.5 महीना पहला दी मानयोग हाईकोर्ट दियां साइटां ते पई आ जिहड़े जिहड़े इस केस नूं पढ़ रहे आ देख रहे आ चाहे केस लड़ भी नहीं रहे वकील उन्हां कोले वी ऑलरेडी पहुंची हुई आ टेबलों ते क्योंकि वो साइटां ते चढ़ जांदी आ ते उत्थों डाउनलोड आपां कर सकदे आ बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद बई जी गलबात की सुखराज सिंह नियामी वाला साढ़े नाल सन उन्होंने कहा कि जिहड़ी रिपोर्ट है ये बेशक सरसे वाला नामजद किया गया पर संतुष्ट नहीं असी इस गल तो कि इस कई अजिहे नाम भी उन्होंने पूरी टीम भी है जिहड़ी हाले भी पहुँच तो बाहर है कुछ भगौड़े लोग है जिहड़े हाले तक फड़े नहीं गए ये 1.5 महीना पहले की रिपोर्ट है भगवंत मान सरकार ने दोबारा इनू जिहड़ा कुछ आपदे नज़दीकियां या चहेते जथेबंदियों बुला के रिपोर्ट सौंप दी गई पर यह रिपोर्ट तो 1.5 महीने की साढ़े को पहले ही मौजूद है ये रिपोर्ट के जिहड़े तत्थ है हाले होर भी सामने आ सकते हैं जे इहदी चंगी तरह नाल जांच की जाए नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि कुंवर विजय प्रताप जो कि विधानसभा आवाज़ उठाते हैं नॉन सिख हो के उत्थे जिहड़े बड़े अजिहे लोग बैठे है जिहड़े अपने आप नूं सिख आउंदे पर बेअदबी के मुद्दे से बहबल कलां गोलीकांड के मुद्दे से चुप वट्टी बैठे है चुप्पी उन्हां दी खतरनाक उन्होंने कहा कि जे ये चुप्पी ना तोड़ी तो इन्हां दा हाल भी पहलां वाली सरकारां वर्गा ही हो जाएगा कैमरा परसन हिमताज के नाल मनिंदरजीत सिद्धू लोकवाई TV